पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और आमंत्रित किया है क्षेत्र रक्षण के लिए समिति एक को। तो पहला ओवर लेकर आशीष सामने है राहुल, तो पहली बाउंड्री आती हुई राहुल के बल्ले से। और एक और छक्का आता हुआ राहुल के बल्ले से, तीन छह रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 13 रन, जबकि पहला ओवर प्रगति पर। तो आशीष चले मंदिर वाली छोर से सामने है राहुल, तो लंबे छक्के देखने को मिले अभी तक। बढ़िया गेंद उठाकर खेला है और फिर से बाउंड्री लाइन की तरफ। 36 रन बने का सारा ना बाकी 6 रन, कहीं 6 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 19 रन। तो 3 छक्के लगातार राहुल के बल्ले से अभी तक हैट्रिक मार चुके हैं। तो आशीष चले एक बार फिर सामने है राहुल, हल्के हल्के कदमों से फुलता लेकिन चूके इस बार और जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो अच्छी गेंद वापसी की 3 छक्के खाने के बाद आशीष ने। तो आशीष चले एक बार फिर मंदिर वाली छोर से आशीष सामने राहुल, बढ़िया गेंद नीचे रहते ही समझ नहीं पाए और जाने दिया विकेट कीपर जितेंद्र के हाथों में। तो अच्छी वापसी 3 छक्के खाने के बाद आशीष, तो कल बढ़िया गेंदबाजी आशीष के द्वारा। अब आशीष चले मंदिर वाली छोर से सामने है राहुल, बढ़िया गेंद लेकिन लग स्टंप से, तो पैर लाइन पे लगने दिया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। जहां पहले 3 ओवर में 6 छक्के खाए थे उसके बाद 3 गेंदें डॉट, तो वापसी की आशीष ने। और जानते हैं कि बरात के बल्लेबाज लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं, राजू की बात करूं तो पिछले मैच में 6 छक्के लगातार लगाए थे उन्होंने। तरफ से सामने है राजू, लॉन्ग हिटर के रूप में जाने जाते हैं। फुलटॉस बनाकर खेला है गेंद को और गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ है। और 4 रन 9 बॉल का, सॉरी 6 रन और 9 बॉल का इशारा भी, तो इन 7 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 26 रन। तो काफी खराब गेंद कहूंगा मैं, सॉरी की बढ़िया बल्लेबाजी उनके द्वारा सेफ आने में देखने को मिली थी। तो सॉरी चले एक बार फिर गेंद उठाकर खेला है गेंद को और जब तक की गेंद पूर्ण 1 रन और अंपायर का इशारा 4 रन, तो इन 4 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा। बनाकर खेला है फिर से गेंद को, गेंद गई है बाउंडी लाइन के बाहर और 6 रनों के लिए, तो इस छक्के की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 36 रन। बगैर किसी नुकसान पे एसएसपीसी बरात, तो बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है राजू के द्वारा। सेमीफाइनल में भी 13 छक्के लगाए थे उन्होंने और अभी भी रुकने का नाम नहीं। अब समिति एक को अगर ये मैच जीतना है तो बांध के रखना होगा एसएसपीसी बरात के बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद लगने दी अपनी पैट लाइन पे, तो अच्छी वापसी यहाँ पे सॉरी के द्वारा, हल्के हल्के कदमों से गेंद उठाकर खेला है फील्डमैन के सामने और जब तक की गेंद फील्ड है अंपायर का इशारा 4 रन, तो इन 4 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 रन। क्योंकि बगैर किसी नुकसान पे पूछा ओवर प्रगति पर सॉरी द्वारा काफी मैसेज महंगे साबित हो रहे हैं। और अगर राज जैसी टीम को छोटे लक्ष्य पे अटकाना है तो राजू और राहुल को बांध के रखना होगा। एक बार फिर उठाकर खेला है गेंद को,
और कहता हूँ तो राजू को पवेलियन जाना होगा, तो आशीष किसी बराज को लगने वाला ये पहला झटका और समिति ए को मिलने वाली पहली सफलता। सामने राहुल, बढ़िया गेंद, अच्छा का खेला है गेंद को, तब तक की गेंद फील्ड, एक रन दूसरे के लिए निकल रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, तो दो रन पूरे, तो इन दो रनों की मदद से टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 42 रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट के नुकसान पे एसएसबीसी बराद। समिति के गेंदबाजों को चले आशीष, बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला, तब तक की गेंद फील्ड, खतरा लेकिन काफी चुस्ती भरी फील्डिंग में छोरी के द्वारा, तो एक रन, तो नंदू ने अपना खाता खोला एक रन से, इस एक रन की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 43 रन, जबकि एक विकेट के नुकसान पे एसएसबीसी बराद। चले आशीष, बढ़िया गेंद और उठा पर खेला है गेंद को और गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ और चार रन के लिए, इस चौके की मदद से टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 47 रन, जबकि एक विकेट के नुकसान पे एसएसबीसी बराद। तो आशीष चले सामने, राहुल हल्के हाथों से खेला, जब तक की गेंद फील्ड नहीं पार, फील्ड करते हैं गेंद को, तो एक रन, उस एक रन की मदद से अब टीम का स्कोर 48 रन। आशीष चले एक बार फिर नंदू को, बढ़िया गेंद, उतना ही बढ़िया संबान दिया है गेंद को, जब तक की गेंद फील्ड, एक रन, दूसरे के लिए निकल रहे दोनों ही बल्लेबाज, फिर अंपायर का इशारा, एम्पायर का इशारा, तो दो रन से संतुष्ट, तो दो रनों की मदद से अब टीम का स्कोर 50 रन एसएसबीसी बरात। तो आशीष चले फिर मंदिर वाली छोर से, सामने है नंदू, बढ़िया गेंद उठाकर खेला है गेंद को, तब तक की गेंद फील्ड, एक रन, दूसरे रन के लिए निकल रहे हैं, तो दो रन, इन दो रनों की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 52 रन, जबकि एक विकेट के नुकसान पे वापसी की है आशीष ने। चले बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से खेला है थर्ड मैन के सामने, तब तक की गेंद फील्ड, तो एक रन, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 53 रन, जबकि एक विकेट के नुकसान पे एसएसबीसी बरात। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर बढ़िया गेंद और उठाकर खेला है गेंद को और 6 रनों के लिए, तो नंदू के बल्ले से निकलने वाला वो पहला छक्का और टीम के लिए, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 59 रन, जबकि एक विकेट के नुकसान पे जितेंद्र चले और क्रेन बोल्ड, तो एसएसबीसी बरात को लगने वाला ये दूसरा झटका नंदू के रूप में और जितेंद्र को मिलने वाली पहली सफलता, तो शुभकामनाएं जितेंद्र को भी, जबकि पहली गेंद में छक्का खाया था उसके बाद वापसी। केस पहली बार जितेंद्र का, जितेंद्र चले मंदिर वाली छोर से, सामने है राकेश, बढ़िया गेंद, ओवरकर लाइन की गेंद थी, समझ नहीं पाए, लगने थे अपनी पैड लाइन पे, तो अच्छी शुरुआत है जितेंद्र के द्वारा, पहली गेंद में जरूर बाउंड्री खाई थी उन्होंने। चले जितेंद्र, सामने है राकेश, बढ़िया गेंद उठाकर खेला है गेंद को उसके बाउंड्री की तरफ और बढ़िया फील्डिंग वहां पे, तो एक रन खाता खोला अपना, एक रन की मदद से टीम का स्कोर 60 रन, जबकि दो विकेट के नुकसान पे एसएसबीसी बराद। तो चले जितेंद्र, सामने राहुल, बुलडोज बनाकर खेला है गेंद को लेफ्ट साइड में और अंपायर का इशारा, 6 रन, इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 66 रन, जबकि दो विकेट के नुकसान पे पर जितेंद्र के द्वारा, जहां वापसी की उन्होंने फिर लंबे हिट देखने को मिले हैं राहुल के द्वारा और बढ़िया गेंद लगने दी अपनी पैड लाइन पे, दो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 66 रन, सामने है राकेश, पहली बार सामना करेंगे, बढ़िया गेंद उठाकर खेला है और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए।
उस सट्टे की मदद से टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 72 रन। अब गेंद पहुंचा दे सौरभ, चले बढ़िया गेंद उठाकर खेला है लेग साइड में, और 4 रन के लिए उस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 72 रन। दो विकेट के नुकसान पे अगर राकेश छक्का नहीं मारते हैं तो छोटू भाई की तरफ से 500 का इनाम। सौरभ चले मंदिर वाली छोर से तो गेंदे पहुंचा दे भाई स्वयं सेवक रात के बीच। तो सॉरी चले एक बार फिर सामने राकेश उठाकर खेला है गेंद को स्टेट बाउंड्री की तरफ और 6 रन। तो याद दिला दूं मैं पहले ही, 16 छक्के एक मैच में मारे थे इन्होंने हया देवी में, तो शुभकामनाएं राकेश को। तो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 82 रन। तो गेंदे पहुंचा दे कृपया सेम सेवक। तो सॉरी चले एक बार फिर सामने राकेश, बढ़िया गेंद उठाकर खेला है फिर से स्टेट बाउंड्री की तरफ 6 रन। तो राकेश अनुरोध ताकत कम लगाए भाई, गेंदे नहीं मिल रही है, 4 गेंदे आपने खो चुके हैं पहले। तो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 88 रन जबकि 2 विकेट के नुकसान पे। तो सॉरी खासे महंगे साबित, 3 छक्के और 1 चौका खा चुके और इस बार पटती हुई गेंद तब तक गेंद फिर 1 रन। इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर क्या पहुंचा 90 रन जबकि 2 विकेट के नुकसान पे। एसएसटीसी बरात सबके पवेलियन में आराम फरमाते हुए राजू और नंदू, बढ़िया गेंद नीचे रहती लग रही थी अपने पैट लाइन पे। तो ओवर की समाप्ति, समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 90 रन। टीम के लिए 6ठा ओवर लेकर पहली गेंद उठाकर खेला है और तब तक की गेंद फील्ड 1 रन और इस 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 90 रन। 6ठा ओवर प्रगति पर महिपाल द्वारा, तो सामने है राहुल, हल्के हाथों से खेला है गेंद को और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो इस चौके की मदद से अब टीम का स्कोर 94 रन जबकि 2 विकेट के नुकसान पे। एसएसपीसी बरात तो महिपाल चले मंदिर वाली छोर से, सामने राहुल, बढ़िया गेंद लग रही थी अपनी पैड लाइन पे, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। तो वापसी की यहाँ पे महिपाल ने 1 चौका लगने के बाद, तो महिपाल चले फिर सामने राहुल, बढ़िया गेंद छकाती हुई गेंद जाने थी विकेट कीपर के ग्लव्स में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। तो अच्छी गेंदबाजी महिपाल के द्वारा, जांच इससे पहले के ओवर महंगे साबित हुए थे तो यहां से वापसी कर रहे हैं अब महिपाल और करनी भी होगी क्योंकि फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं आप। तो एक बार फिर बढ़िया गेंद चकमा देती हुई राहुल को और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, हवा में बल्ला। तो महिपाल चले एक बार फिर सामने है राहुल, हल्के हल्के कदमों से बढ़िया गेंद लपेट दिया एक हाथ से और गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 100 रन। अमित अपने कोटे का पहला और टीम के लिए 7 ओवर लेकर पहली गेंद उठाकर खेला है सचिन, गेंद के नीचे और संभवता और क्या छूटा कृपया, मैं पहले ही बता रहा था कि दर्शकगण जितने भी है पीछे हट जाए। तो आशीष चले एक बार फिर सामने है राकेश, एक जीवन दान जो मैं कहूंगा तो काफी बड़ा जीवन दान
तो वाइट का इशारा अंपायर का, इस वाइट की मदद से टीम का स्कोर 103 रन। और आशीष अगर विकेट पर विकेट में 100 रुपए अरविंद पटवाल के द्वारा, तो शुभकामनाएं आशीष को। बढ़िया गेंद उठाकर खेला है और गेंद गई हवाई यात्रा पे और 6 रन, तो छक्के की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 109 रन। जबकि दो विकेट के नुकसान पे 7 ओवर प्रगति पर अमित द्वारा, अमित चले बस बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से खेला जब तक की गेंद फील्ड, 1 रन। और इसी रन की मदद से टीम का स्कोर अब 110 रन। जबकि दो विकेट के नुकसान पे एसएसपी सिपराट, तो राकेश से अनुरोध कि लंबे छक्के न मारे क्योंकि 5 गेंदें खो चुके हैं, पहले ही ताकत झोंक दे रहे हैं गेंद के पीछे। पास ही चले सामने है राहुल, पटकी भी गेंद उठाकर खेला है और 6 रनों के लिए, तो उस छक्के की मदद से टीम का स्कोर जाते थे 116 रन। जबकि एक विकेट के नुकसान पे एसएसपी सिद्धार्थ और अमित के लिए फिर से घोषणा कि अगर विकेट लेते हैं तो 200 रुपए पर विकेट पे अरविंद पटवाल के द्वारा, तो शुभकामनाएं। बढ़िया गेंद, समझ नहीं पाए, लगने दिया अपनी पैड लाइन पे राहुल ने, तो अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की यहाँ पे आशीष ने। हल्के हल्के कदमों से आशीष, बढ़िया गेंद नीचे रहती हुई, लगने दिया अपनी पैड लाइन पे। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 116 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पे सामने है राकेश। कुलदीप चले एक बार फिर सामने राकेश, बढ़िया गेंद उठाकर खेला है गेंद को, गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर और 6 रनों के लिए, तो इस छक्के की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 122 रन। दो विकेट के नुकसान पे एक बार फिर उठाकर खेला है और जितेंद्र गेंद के नीचे और 1 रन, दूसरे के लिए निकल रहा है दोनों ही बल्लेबाज, तो 2 रन पूरे, तो इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 124 रन। जबकि 2 विकेट के नुकसान पे बढ़िया गेंद, नेक्स्ट स्टंप पे थोड़ी सी बाहर जाती है गेंद, वाइड का इशारा सामने राकेश, तो 41 ओवर पे खेल रहे हैं राकेश अपने अर्धशतक से 9 रन दूर। एक बार फिर उठाकर खेला है गेंद को, गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, तो 2 रन में संतोष, इन 2 रनों की मदद से आप टीम का स्कोर जा पहुंचा 127 रन। 2 विकेट के नुकसान पे जबकि 8 ओवर प्रगति पर कुलदीप द्वारा, कुलदीप बढ़िया गेंद और गेंद को उठाकर खेला स्टेट बाउंड्री की तरफ और 4 रनों के लिए, तो इस चौके की मदद से आप टीम का स्कोर 131 रन। तो थोड़ा ताकत लगाना कम कर दिया राकेश ने, शायद हमारी आवाज सुन ली हो, तो चले कुलदीप एक बार फिर, बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला जब तक कि गेंद फील्ड, 1 रन। उस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 132 रन, जबकि 2 विकेट के नुकसान पे 134 रन है, 2 विकेट के नुकसान पे, तो 47 योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन अपने कोटे का पहला, टीम के लिए 9 ओवर लेकर सामने राहुल, बढ़िया गेंद उठाकर खेला है गेंद को जब तक की गेंद फील्ड, 1 रन।
और इस वेट की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा। तीसरा दो विकेट के नुकसान पे अच्छा से एक बार फिर मंदिर वाले छोर से सामने राकेश बढ़िया गेंद हल्के हाथों से खेला और तीन रन दूर अपने अर्धशतक से राकेश। तो शुभकामनाएं राकेश को भी। तो सचिन चले एक बार फिर सामने राकेश हल्के हल्के कदमों से सचिन पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है गेंद को और जब तक की गेंद फील्ड एक रन और इस एक रन की मदद से अब टीम का स्कोर क्या पहुंचा। प्रगति पर सामने राहुल पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है गेंद को गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ छह रन के लिए। तो इस छक्के की मदद से अब टीम का स्कोर 142 रन तो नौ ओवर प्रगति पर। बढ़िया गेंद इतनी अच्छी फील्डिंग जितेंद्र के द्वारा और कैच पकड़े गए वहां पे तो ऐसा किसी बरात को लगने वाला है तीसरा झटका राहुल के रूप में और समिति को मिलने वाली तीसरी सफलता। तो काफी फुर्तीले खिलाड़ी जितेंद्र तो काफी बढ़िया फील्डिंग की थी उन्होंने। तो सचिन राकेश के रूप में राकेश का स्थान लेंगे बबलेश। तो वाइट का इशारा अंपायर का इस वाइट की मदद से टीम का स्कोर क्या पहुंचा 143 रन जबकि तीन विकेट के नुकसान पे। तो नौ ओवर प्रगति पर सचिन द्वारा सामने बबलेश उठाकर खेला है कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से और छह रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर अब जा पहुंचा 150 रन और छक्के से अपना खाता खोला बबलेश ने काल को भी। तो राकेश गोल तो सर के अकदार जो कि मैताल तो शायद पहले ही नाम लगता तो निश्चित तौर पर रात की आधी टीम पवेलियन में होती। तो शायद राकेश अपने अर्धशतक से चूके मात्र दो रन तो नए बल्लेबाज सतपाल राकेश का स्थान लेंगे। तो मेपाल फुलटॉस गेंद और उठाकर खेला है गेंद को और छह रन के लिए। तो इस छक्के की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 155 रन जबकि पांच विकेट के नुकसान पे। चार विकेट के नुकसान पे तो बढ़िया गेंदबाजी नेपाल की उससे पिछला ओवर भी बढ़िया किया था उन्होंने और अब मान के रखा है सतपाल को भी अच्छी गेंद समय नहीं पाए और 156 रन चार विकेट के नुकसान पे एसएसबीसी बरात। तो महिपाल चले एक बार फिर पर विकेट पर 100 रुपए उनके लिए हवाई यात्रा में और कह छूटा। तो एक रन उस एक रन की मदद से आप टीम का महिपाल द्वारा सामने बबलेश बढ़िया गेंद उठाकर खेला है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और छह रन के लिए। तो सट्टे की मदद से अब टीम का स्कोर जा पहुंचा 163 रन अंतिम ओवर पर गति पर अभी भी 100 रुपए बने हुए हैं मेपाल के लिए। अगर विकेट लेते हैं पहले ही 100 रुपए कमा चुके हैं अरविंद पटवाल के द्वारा ले जाएंगे आपको 100 रुपए और वाइट का इशारा और वाइट की मदद से अब टीम का स्कोर 154 रन और 164 रन क्योंकि चार विकेट के नुकसान पर एसएसबीसी बरात। अभी 100 रुपए बरकरार है उनके लिए बढ़िया गेंद उठाकर खेला है जितेंद्र गेंद के नीचे और 100 रुपए तो कम से कम चाहिए लेकिन छोटा। दूसरे रन के लिए निकल रहे दोनों ही बल्लेबाज
और तीन रन पूरे चौथे रन के लिए निकल रहा है खतरा, लेकिन चार रन पूरे, इन चार रनों की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा। एक सौ 168 रन है और समिति ए को अगर ये मैच जीतना है तो 172 रन है जीत के लिए, तो शुभकामनाएं दो टीमों को।